ड्राई फ्रूट का जो ताल्लुक है ना वो सर्दी और गर्मी से नहीं है। दुनिया जहान में नट्स की जितनी भी वैरायटी है ना वो ऑलमोस्ट हमारे पास अवेलेबल है। कैंडीज में पोलैंड की वैरायटीज है डिफरेंट टेस्ट में, और चॉकलेट्स हैं, स्टोन चॉकलेट्स हैं, मार्बल चॉकलेट्स हैं, और बच्चे आजकल काफी सारे हैं जो ड्राई फ्रूट्स की तरफ भी जिनका रुझान है। जिंगर, चीज बर्गर, इस तरह की चीजें जो है ना बच्चे उनसे हट के ड्राई फ्रूट की तरफ रुझान है। सर्वर मेरा नाम है। ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस हमारा काफी पुराना है। ड्राई फ्रूट हर जगह पे सेल हो रहा है, तो हम उसको जब एक जिद्दत में लेके आना चाह रहे थे कि हम उसको एक यूनिक स्टाइल में और लोगों को जो है ना एक डिफरेंट क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी के हिसाब से हम लोग लें। और ये नटखट हमने एक यूनिक सा आइडिया दिया है मुल्तान कैंट में, लेकिन हमारे पास उसकी एक लुक वाइज और उसकी प्रीमियम क्वालिटी के हिसाब से हमारी जो वैराइटीज़ हैं ये दूसरों से जो है ना हमें थोड़ा वो करती हैं। मौसम के हिसाब से हमें रहने के लिए ड्राई फ्रूट ज़रूरी है, लेकिन गर्मियों में भी इसको मकदार इसकी कम कर दें, लेकिन खाना ज़रूर चाहिए। हमारे पास जो है ना इम्पोर्टेड वैराइटीज़ में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको हमारे पास तकरीबन कोई 20 किस्म का आपको कैश्यू नट मिल जाएगा। उसमें फ्लेवर्स भी हैं, उसमें रोस्टेड भी हैं, उसमें प्लेन भी हैं, और ड्राई फ्रूट्स में भी हमारे पास अपना कोटेड ड्राई फ्रूट्स भी हैं। उसके अलावा मैकडेमिया आपको मिल जाएगा, ब्राज़ील नट्स हमारे पास मिल जाएंगे। कुछ वैरायटी है हमारी ना फ्लेवर्ड कैश्यू की भी, जिसमें चीज़ है, पेपरिका है, और बारबेक्यू आपको मिल जाता है, ब्लैक पेपर कैश्यू मिल जाता है, इस तरह की वैरायटी भी। लेकिन वो सेहत के लिए ज़ाहरी बात है अच्छी नहीं है, लेकिन वो आप उसको चस्का कह लें, आप उसको थोड़ा टेस्ट डिफरेंट कहना, वो इस हिसाब से वो कभी कभी अच्छा लगता है। वो कैश्यू की प्राइस रेंज शुरू हो जाती है 3300 से, मैक्सिमम जो है ना वो 6000 तक। हाँ, महंगा ड्राई फ्रूट्स में आजकल तो पाइन नट ही है, चिलगोजा जिसको कहते हैं, आम आदमी की रेंज नहीं है ड्राई फ्रूट्स। महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है उस हिसाब से ड्राई फ्रूट्स पे भी काफ़ी सारा असर अंदाज हो रहा है, क्योंकि ये इंपोर्ट होता है ज़्यादातर। हमारे पास जितनी वैरायटी है ये हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हमारा बिजनेस अफेक्ट हुआ है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में तो काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्टेड ही होती हैं जो बाहर से आती हैं। ड्यूटीज़ डबल हो गई हैं और इंपोर्ट पे भी पाबंदी है, तो इसी हिसाब से हमें फिर हैंड कैरी करके आना पड़ता है, तो वो कॉस्ट कहीं ना कहीं जो है ना उसको इफ़ेक्ट करती है।